हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट पे एसे लिखे एंड इलस्ट्रेट द आंसर। इलस्ट्रेट द आंसर विथ सुटेबल डायग्राम्स। आंसर को सुटेबल डायग्राम के साथ इलस्ट्रेट करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट का बात करूंगा। की कॉन्सेप्ट हमारा की कॉन्सेप्ट होगा गैमेटोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट। गैमेटो जेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट, इन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है सो दो स्टेज में होता है। सबसे पहला होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, उसके बाद होगा फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस का। मेगा स्पोरो जेनेसिस, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? ओवरी। ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ओव्यूल्स ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इंटू अ सिंगल सेल, अ सिंगल सेल मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं MMC। M फॉर मेगा, M दूसरा M फॉर मदर और C फॉर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। इन द माइक्रोपाइलर रीजन, इन द माइक्रो पाइलर रीजन, ऑफ द न्यूसेलस। माइक्रो माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। इट इज अ लार्ज सेल, इट इज अ लार्ज सेल। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूसेलस। प्रोमिनेंट न्यूसेलस, द एमएमसी। एमएमसी मीन्स मेगा स्पोर मदर सेल। अंदर गोज म्यूटिक डिवीजन, म्यूटिक डिवीजन। मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। रिजल्ट्स इन द
in the production of फोर्ड मेगा स्पोर्ट। ये बात की है मैंने मेगा स्पोरोजेनेसिस का। मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब मैं लिखूंगा फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, फीमेल फीमेल गैमेटोफाइट इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्लांट्स वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर थ्री मेगा स्पोर डिजेनरेट ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इंटू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को और क्या बोल सकते हैं? एम्ब्रियो सैक। ये तो मैंने ऐसे लिखा है, अब इसका मैं डायग्रामेटिकली इसको इलेबोरेट करने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या होता है, ऑव्यूल में न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। माइक्रोपेलर एंड पे एक ऐसा न्यूसेलस होता है जो लार्ज साइज में लार्ज होता है और उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ठीक है, तो मैं उस न्यूसेलस को कंसिडर कर लूंगा क्या? मेगा स्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन के तरफ एक न्यूसेलस ऐसा होता है जो साइज में लार्ज होता है और उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, उसको मैं कंसिडर कर लूंगा मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी, एमएमसी। और इस मेगा स्पोर मदर सेल का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो 2n होता है, यानी डिप्लॉइड होता है। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा, मियोसिस। तो इससे बनेगा 4 मेगा स्पोर। इससे क्या बनेगा? 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। और इसको कहेंगे टेट्राड, क्योंकि 4 मेगास्पोर बन रहा है तो इसलिए इसको बोल देंगे टेट्राड। इसमें से क्या होता है कि 3 मेगास्पोर जो है सो डिजेनरेट हो जाता है और 1 मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है, फंक्शनल।
फंक्शनल मेगा स्पोर। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होगा? ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है इसमें होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस, माइटोसिस होगा। तो अभी क्या होगा ना, अभी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, मींस न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। तो अगर इस सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, फिर इसमें माइटोसिस होगा। इसको बोलते हैं टू न्यूक्लियेट स्टेज, टू न्यूक्लियेट स्टेज। और फिर इस सेल में जो है सो फिर माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, फिर इससे क्या बनेगा, चार न्यूक्लियस। अभी भी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो इसमें क्या बनेगा, चार न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस। इसको बोलेंगे फोर न्यूक्लियेट स्टेज। फोर न्यूक्लियेट स्टेज। और फिर इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा। अब चार न्यूक्लियस है तो माइटोसिस के बाद कितना न्यूक्लियस हो जाएगा, टोटल एट न्यूक्लियस हो जाएगा। टोटल एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, इसको बोलते हैं एट न्यूक्लियेट स्टेज, एट न्यूक्लियेट स्टेज। अब यहां पे कितना न्यूक्लियस है, एक सेल है और आठ न्यूक्लियस है। अभी आठ न्यूक्लियस जो है सो अपने अपने प्रॉपर पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे अब मैं इसको फर्दर डेवलपमेंट इसका यहां पे दिखा रहा हूं, दो न्यूक्लियस यहां पे आ जाएगा जो क्या बना लेगा, सिनर्जिड। ये क्या बना लेगा, सिनर्जिड। और यहां पे एक एग सेल होगा, यहां पे एक एग सेल भी होगा, एग सेल भी होगा। यहां पे क्या आएगा, पोलर न्यूक्लिया, पोलर पोलर न्यूक्लियाई। और यहां पे आ जाएगा एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल जो है सो चैलेजल एंड की तरफ बनेगा, CHA चैलेजल एंड की तरफ। और इस सिनर्जी किधर बनता है, माइक्रो पाइलर एंड की तरफ, माइक्रो पाइलर एंड की तरफ, माइक्रो पाइलर एंड। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये एक सेल में आ जाएगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। तो ये क्या है, इसमें आपको देख रहे हैं सेवन सेल, सेवन सेल दिख रहा है आपको, एंड एट न्यूक्लियेट स्टेज, एट न्यूक्लियेट स्टेज। और यही क्या है हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। द फाइनल आंसर इज ऑव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट इंटू अ सिंगल सेल मेगास्पोर मदर सेल MMC इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
MMC undergoes meiotic division. Meiosis results in the production of 4 megaspore. Female gametophyte. In the majority of flowering plants, one of the megaspore is functional, while the other 3 megaspore degenerate. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte. I hope you understood it well. Best of luck.